हे गाइस व्हाट्सअप। आई होप कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे वे में कर रहे होंगे। आपके लिए एक नया लेसन लेकर आया हूं जो एंशिएंट इंडिया का पार्ट है और काफी ये हेल्पफुल साबित होगा आपके एसीआईओ ग्रेड सेकेंड एग्जामिनेशन में। और ये जो एनसीईआरटी की समरी है, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस लाइक इस बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, स्टेट पीसीएस, जहां पे भी आप एग्जाम देंगे वहां पे हेल्पफुल रहेगा। ये जीके की जो समरी है, एनसीईआरटी की समरी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक देता हूं। ये लेक्चर एंड होने के बाद आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। सबसे पहला सवाल है एंशिएंट हिस्ट्री को पहले पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है एडी, बीसी, व्हाट इज बीसीई, बीसी एडी, कॉमन ईरा एंड बिफोर कॉमन ईरा। अगर मैं बात करूं तो ये बिफोर क्राइस्ट है, ए एनो डोमिनी है, और ये बीसी के इक्विवेलेंट क्या है, ईसा पूर्व जिसको कहते हैं हम, वो बिफोर कॉमन इरा भी कहते हैं उसको हम, और एडी को आप कहते हैं। ये इस समय के टर्मिनोलॉजी में यूज होता है, बीसीई और सीई, और इसका मतलब है कॉमन इरा, एनो डोमिनी। अब अगर ऐसे टर्म हम यूज करते हैं तो इनका मतलब क्या है? कॉमन इरा का मतलब है इन द इरा ऑफ जीसस क्राइस्ट, दैट इज एडी वन से जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, एडी वन से एडी टू, एडी थ्री एंड सो ऑन। जिस साल से ईसा का बर्थ हुआ उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है एडी वन, एडी टू, एडी थ्री। बीसी क्या है फिर? अगर मैं इसको मान लूं कि ये ईसा का बर्थ हुआ तो उसके पहले का जो ईसा पूर्व, जो उसके पहले का टाइम पीरियड है उसको कहते हैं हम बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन इरा। एक टर्म आप जब पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया तो और पाते होंगे सिरका, कहीं कहीं लिखा रहता होगा सिरका। सिरका का मीनिंग होता है टाइम पीरियड। अगर सिरका लिखा होगा तो वहां पे एसी, बीसी, एडी, बीसीई ये सब चीजें नहीं लिखी होंगी, इसका मतलब होता है टाइम पीरियड। फ्रेंड्स, इन वर्ड्स का मैंने मीनिंग बता दिया। अब मैं आता हूं अपने लेसन पे। मैन टेक्स टू सिटी लाइफ। अब मैन जो है वो कहाँ आ गया है? अर्बनाइजेशन की दुनिया में आ गया है, शहरीकरण की लाइफ जो है वो जीने लगा। पहले वो गुफाओं में रहता था, गुफाओं के बाद वो झोपड़ी में रहना स्टार्ट किया, और झोपड़ी में रहने के बाद जब वो फूड प्रोड्यूस करने लगा उसके बाद वो अर्बनाइजेशन, अब वो अच्छे घरों में भी, पक्का मकानों में भी रहने लगा। फॉरेस्ट एनिमल्स सच एज टाइगर, एलिफेंट, रिनोसेरोस वर देयर। अगर मैं सिटी लाइफ की बात करूं तो उस समय टाइगर, एलिफेंट, हाथी, रिनोसेरोस, वन सिंग वाले जो गेंडे होते हैं वो भी हुआ करते थे जंगलों में। सेकेंड पॉइंट है, टिम्बर वॉज यूज टू बिल्डिंग बोट्स। जो नाव में तैरते थे वो लोग नाव की हेल्प से पानी में वो यूज बनाते थे, किससे? टिम्बर, लकड़ी से। दे मेड आर्टिकल्स, आर्टिकल्स बनाते थे बाई हैंड, अपने हाथों से, सच एज बेड्स, मनका, क्लोथ, ऑर्नामेंट्स, कुछ आभूषण, अलंकार, विच वर यूज इन द सिटीज। वो अपने हाथों से सब कुछ बनाते थे। जो टाउन का डिवीजन था, टाउन प्लानिंग थी, वो दो पार्ट्स में डिवाइड था। कैसे? सपोज अगर ये टाउन है पूरा, अगर इसको मैं कहूं कि ये टाउन है तो ये टाउन दो पार्ट में डिवाइड था। एक सिटेडल जिसको हम अपर टाउन कहते हैं, जो ऊपर वाला नगर था, और दूसरा लोअर टाउन जो कि निचला वाला नगर था।
अब सवाल ये है कि अगर ये अपर टाउन और लोअर टाउन में डिवाइड था तो अपर टाउन में कौन लोग रहते थे और लोअर टाउन में कौन लोग रहते थे? अपर टाउन बिल्ट ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म, ये उठा हुआ प्लेटफॉर्म था, अपर टाउन जो था उठा हुआ प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था। हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सिटेडल, और उसको कहा जाता था सिटेडल। दिस पार्ट इंक्लूड द पब्लिक बिल्डिंग्स, इसमें कौन सी बिल्डिंग हुआ करती थी? पब्लिक, लोग वहां रहा करते थे। द ग्रेनरीज, जो अन्नागार थे जिसमें अनाज रखा जाता था। सीरियल्स, जहां पे जमा करके रखा जाता था, सिटेडल्स पे होते थे। द मोर इंपॉर्टेंट वर्कशॉप, इंपॉर्टेंट जो वर्कशॉप होते थे वो होते थे। और रिलीजियस बिल्डिंग्स, जो धार्मिक बिल्डिंग हुआ करती थी वो भी कहां पे सिचुएटेड थी? सिटेडल पे, अपर टाउन पे। द अदर पार्ट ऑफ द सिटी विच वॉज मच लार्जर वॉज द लोअर पार्ट वेयर द पीपल लिव्ड एंड कैरिड ऑन देयर प्रोफेशनल वर्क। द अदर पार्ट ऑफ द सिटी, अगर मैं लोअर टाउन की बात करूं, विच वॉज मच लार्जर, जो काफी बड़ी थी अपर टाउन के कंपेरिजन में, जहां पे लोग रहते थे, कॉमन लोग, जैसे आर्टिसन, मर्चेंट्स एंड कॉमन पीपल, ये लोग कहाँ रहते थे? लोअर टाउन में। कैरीड ऑन देयर प्रोफेशनल वर्क, इनका जो भी प्रोफेशनल वर्क था, जैसे कि अगर कुम्हार को कहें तो पॉट मेकिंग, और दूसरे आर्टिसंस भी होते थे, ब्लैक स्मिथ, तो इनका काम था अलग। ये सब लोग कहाँ रहते थे? लोअर टाउन में। द बेस्ट नोन ऑफ द बिल्डिंग इन द मोहनजोदारो सिटेडल इज ग्रेट बाथ। सबसे पहली बात मैं मोहनजोदारो का मीनिंग बताता हूं। मोहनजोदारो का मीनिंग होता है माउंट ऑफ द डेड, मुर्दों का टीला। माउंट ऑफ द डेड, ऐसा माना जाता है कि जो आर्यंस थे वो इंडिया के पार्ट नहीं है और वो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया से आए थे। अपने साथ घोड़ा, जो हॉर्स होते हैं, उनको भी लेकर आए थे, उसी घोड़े पर सवार होकर आए थे। और घोड़ा पहली बार आर्यंस के द्वारा ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके पहले इंडिया के लोग घोड़ों के बारे में नहीं जानते थे या हॉर्सेस के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। उस समय की जो माउंट ऑफ डेड्स, मुर्दों का टीला, मोहनजोदारो का जो बेस बिल्डिंग था वो कौन सा था? सिटेडल इज ग्रेट बाथ, जो विशाल स्नानागार होता था, वो उस नगर की सबसे मैग्निफिसेंट बिल्डिंग हुआ करती थी। विशाल स्नानागार, जिसमें लोग रिचुअल्स के लिए स्नान करते थे। द स्ट्रीट्स रैन स्ट्रेट एंड राइट एंगल्स टू ईच अदर, स्ट्रीट वर वाइड, स्ट्रीट राइट एंगल्स पे होती थी, ऐसे कुछ 90 डिग्री का एंगल बना करके स्ट्रीट बनाई जाती थी। और द मेन स्ट्रीट बीइंग अबाउट 10 मीटर्स वाइड, जो मेन स्ट्रीट होती थी, सपोज दिस वन मेन स्ट्रीट और बाकी स्ट्रीट इसकी हो गई है, तो जो मेन स्ट्रीट होती थी वो कितनी चौड़ी होती थी? 10 मीटर वाइड होती थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये 10 मीटर भी आप याद रखेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कुछ टर्मिनोलॉजी के मीनिंग में बताना चाहूंगा। टेराकोटा, जैसे आपने सुन रखा होगा कि टेराकोटा म्यूजियम होता है, जहां पे फायर बेग्ड अर्थन क्ले, इनसे बनी हुई मूर्तियों का कलेक्शन होता है, वो होता है टेराकोटा म्यूजियम। द पोस्ट अर्बन फेज ऑफ द हरप्पन कल्चर इज ऑल्सो नोन एज द सब इंडस कल्चर, दैट इज आफ्टर 1900 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। रावी, रावी नदी का जो पुराना नाम था वो उसको किस नाम से बुलाया जाता था? पुरुषिनी, पुरुषिनी के नाम से। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप, कि प्राचीन काल में रावी नदी जो भी प्रेजेंट में पंजाब में बहती है उसका पुराना नाम था पुरुषिनी। गविस्ती एक टर्म है, गविस्ती का क्या मीनिंग है? गविस्ती का मतलब होता है सर्च फॉर काउज, गायों की खोज गविस्ती कहलाती थी। अगर मैं कहूं हायरार्की में देखें तो किंग होता था पहले, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता था विद द हेल्प ऑफ
पुरोहित जो अमात्य होते थे, और सेनानी कमांडर इन चीफ जो सेना का सेनापति होता था, उसकी हेल्प से जो किंग राजा होता था इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता था। एक टर्म है वज्रपति। वज्रपति को क्या कहते थे आप? वज्रपति का क्या मीनिंग है? द ऑफिसर हु एंजॉयड अथॉरिटी ओवर अ लार्ज लैंड आर पास्चर ग्राउंड इज कॉल्ड वज्रपति। एक बहुत बड़ी एरिया दी जाती थी, इस पे जो सेनापति डिप्लॉय किया जाता था, तैनात किया जाता था इसकी देखभाल के लिए, वो कहलाता था वज्रपति। और ये चारागाह भी हो सकता था, काफ़ी बहुत बड़ा लैंड होता था और ये चारागाह होता था। तो इसको जो लुक आफ्टर देखभाल करता था वो कौन करता था? वज्रपति। नेक्स्ट, द हाउसेस वर बिल्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट। अगर ये स्ट्रीट है तो घर जो है कि दोनों साइड बनाए जाते थे, इधर भी इधर भी, हरप्पन कल्चर में। पॉइंटेड जार फाउंड एट लोथल। अगर लोथल प्लेस की मैं बात करूं, अगर आप इंडियन मैप्स में देखेंगे ऐसा कुछ, तो यहाँ पे कुछ गल्फ ऑफ कंबात है, ये गुजरात का एरिया है, और इसके माउथ पे डायरेक्ट यहाँ पे लोथल है जो कि एक डॉकयार्ड है, एक एक्सिबिशन में पाया गया था। और जो खंबात की खाड़ी है उसके जस्ट माउथ पे लोथल है जो कि एक डॉकयार्ड है। ये कह रहा है कि द हाउस वर बिल्ट ऑन द बोथ साइड ऑफ स्ट्रीट पॉइंटेड जार। यहां पे लोथल में क्या पाया गया? गुजरात में पॉइंटेड जार। सील ऑफ द हरप्पन कल्चर। जो हरप्पन कल्चर, जो हरप्पा हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड करते थे मेलुहा पीपल्स लाइक इस इराक के पीपल से, ईरान के पीपल से, दिलमन बहरीन जो अभी प्रेजेंट टाइम में है उससे व्यापार करते थे, तो जो सिल के थ्रू ट्रेड होता था, इनसे सिल लगाते थे, उस सिल पे किसका साइन होता था? हम्ड बुल, ऐसा सांड जिसका जो कुबड़ है वो निकला हुआ हो। रिनोसिरोस, एक सिंग वाले गेंडे, इन लोगों का क्या होता था उस पर फिगर होता था, जब सिल लगती थी तो ये आते थे फिगर के रूप में। अफगानिस्तान फ्रॉम वेयर द हरप्पन ब्रॉट द फेमस ब्लू जेमस्टोन लपीस लेजुली। लपीस लेजुली आज भी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड है, ये बायलेटरल ट्रेड अगर मैं कहूँ इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, तो लपीस लेजुली जो कि ब्लू जेमस्टोन है, आज भी इंडिया जो है इंपोर्ट करता है, आयात करता है अफगानिस्तान से। द हॉर्सेस इज एन एनिमल विच वॉज नॉट नेटिव टू इंडिया। जो घोड़े होते थे वो नेटिव इंडिया के नहीं हैं, वॉज ब्रॉट इन बाई आर्यंस। वो किसके द्वारा लाए गए हैं इंडिया में? आर्यंस। आर्यंस यहाँ के लोग नहीं हैं, आर्यंस यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, और ये घोड़े पर सवार होकर के सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया से इंडिया में इंटर किए थे, और इनके द्वारा घोड़े यहाँ पे इंडिया में सबसे पहले लाए गए थे फ्रॉम ईरान एंड सेंट्रल एशिया। फॉर म्यूजिक, म्यूजिक के लिए, संगीत के लिए लोग क्या यूज करते थे? बांसुरी का यूज करते थे, बांसुरी बजाते थे। द लूट, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है द लूट, विच रिसेम्बल द बीना एंड द ड्रम, जो कैसा दिखता था? बीना और ड्रम की तरह। दे आल्सो ड्रंक, ये क्या पीते थे? मधु एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स सच एज सुरा। सुरा को आप मदिरा के रूप में देख सकते थे, उस समय का ये फेमस इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होता था। एक और इंपॉर्टेंट ड्रिंक होता था जिसको कहते थे हम सोमा। सोमा कब पीते थे ये लोग? ये इसको बनाने में जो है कि काफी किफायती से बनाना पड़ता था, काफी डिफिकल्टी होती थी इसको प्रिपेयर करने में सोमा को, इसलिए ये ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज, जब धार्मिक कोई फंक्शन होता था उस समय सोमा का ये लोग मदिरा पान करते थे, सोमा पीते थे। रिलीजन की अगर मैं बात करूं, धर्म में दयुस पितार वाज द स्काई गार्ड। स्काई गार्ड कौन थे? दयुस पितार। इंदिरा वाज द गार्ड ऑफ रेन, वर्षा,
तूफान और वार, इनके जो गार्ड थे वो कौन थे? इंद्र। थर्ड पॉइंट, सूर्य वाज द सन गार्ड एंड अग्नि वाज द गार्ड ऑफ फायर एंड उषा वाज द गॉडेस ऑफ डॉन, सुबह की जो देवती हैं वो कौन है? उषा। उपनिषद्स आर द पार्ट ऑफ वेदास, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वेदास आर द पार्ट ऑफ उपनिषद? नो, इट्स रॉन्ग टू से कि वेदास जो है वो उपनिषद के पार्ट हैं। हम ऐसा कहेंगे कि उपनिषद जो है वो वेदों के पार्ट हैं। चार वेद हैं, वेदों के बारे में आपको जानकारी होगी, कौन कौन से इसको याद करेंगे आप? रमेश सिंह यादव, रमेश सिंह यादव, इस नाम को मैंने क्यों लिखा? रमेश सिंह यादव। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, इसमें से जो ऋग्वेद लिखा गया था वो अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था, बाकी सब वैदिक पीरियड में लिखे गए थे, लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, उसका जो पीरियड था वो था 1500 बीसी टू 1000 बीसी, ये अर्ली वैदिक पीरियड है जिसमें ऋग्वेद लिखा गया था, बाकी 1000 टू 600 बीसी के बीच में तीनों वेद लिखे गए थे, कौन कौन से? रमेश सिंह यादव, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका मीनिंग आपको समझना है, बेयर, बेयर का क्या मीनिंग होता है? बेसल्स जो बर्तन होते थे मेड अप ऑफ बेग्ड क्ले, जो पकी हुई मिट्टी थी उससे बनाए हुए बेसल्स बर्तन होते थे वो बेयर कहलाते थे। सेनानी, सेनानी कौन लोग थे? कमांडर ऑफ द वॉरियर्स, योद्धाओं के जो कमांडर होते थे वो लोग सेनानी होते थे। ग्रमणीज, ग्रमणीज का मीनिंग होता है, ये ग्रमणीज आज भी होते हैं, इसको कहते हैं हम सरपंच, या इंग्लिश में कहें हम विलेज हेडमैन, या प्रधान कहीं पे कहते हैं, या विलेज प्रेसिडेंट, ग्रमणीज कहते थे उस समय में। समिति, एक इंपॉर्टेंट टर्म, इन द समिति एनीवन कुड स्पीक हिज माइंड अबाउट द प्रॉब्लम, जब किसी को प्रॉब्लम होती थी, समस्या होती थी, तो वो समिति में इसको बोलता था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था समिति में। बट द सभा अपीयर्स टू हैव बीन अ स्मॉलर असेंबली ऑफ सेलेक्टेड पीपल, लेकिन सभा में सभी लोग इंक्लूड नहीं होते थे, कुछ सेलेक्टेड पीपल ही सेलेक्ट होते थे। सभा और समिति में डिफरेंस है, ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। अश्वमेधा सेक्रीफाइस, अश्वमेधा क्या है? सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान करना, उसकी बलि दे देना। When a horse was released and the territory over which it roamed was claimed by the king who had released it, एक राजा होता था king, अपने घोड़े को जो है कि छोड़ता था, वो दूसरे की territory में गया घूम फिर के सपोज इतना घूम फिर करके वापस आ गया, तो इतनी territory जो होती थी वो किसकी हो जाती थी? राजा की। लेकिन उसके बाद उस घोड़े की बलि चढ़ाई जाती थी, बलि दी जाती थी, और उसके मांस को परोसा जाता था किंग्स और पुरोहितों के सामने। आर्या, आर्य का मीनिंग होता है वन हु रिस्पेक्टेड, जो सम्मानित व्यक्ति हो, श्रेष्ठ हो, उसको आर्य कहते थे, आर्यन पीपल्स अपने आप को। नाउ इंडिया फ्रॉम 600 बीसी टू 400 बीसी, इस पीरियड में जैनिज्म और बुद्धिज्म आया। जैनिज्म और बुद्धिज्म आने का मेन कारण क्या था? जैनिज्म और बुद्धिज्म के आने का मेन कारण था कि जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर था, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर जो था उसमें ऐसा कुछ मेंशन किया था कि पहले ब्राह्मण्स, क्षत्रि एंड वैश्य शूद्र, ऐसा कुछ हायरार्किकल ऑर्डर इन लोगों ने दिया था। सेकेंड, जैनिज्म और बुद्धिज्म को ये बात पसंद नहीं आई, और जो जैन और बुद्धिस्ट थे
इन लोगों ने कहा, महावीर और गौतम बुद्धा ने कहा कि आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। इन लोगों ने सोशल ऑर्डर को चेंज किया और जो समाज में फैली हुई बुराई थी और शोषण होता था, जो इनका सामाजिक जो निचले लोग थे, दबे कुचले लोग थे, शूद्रास थे, मेनली वैश्यास थे, इनका शोषण होता था, तो इन चीज़ों से पार पाने के लिए जैनिज्म और बुद्धिज्म आया एग्जिस्टेंस में, और इसने ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर जो था उसका विरोध किया और इसने कहा कि सभी लोग ऑलमोस्ट इक्वल हैं। जैनिज्म और बुद्धिज्म, जैनिज्म के जो फाउंडर हैं वो हैं, असली फाउंडर जो हैं वो हैं 24th तीर्थांकर महावीर, जिन्होंने कंटिनेंसी एंड सेलिबेसी भी जोड़ा था जैनिज्म में, और बुद्धिज्म के बुद्ध गौतम बुद्ध। द मोर पावरफुल किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स, जो गणतंत्र होते थे और मोर पावरफुल ज़्यादा शक्तिशाली किंगडम साम्राज्य होते थे, वो क्या कहलाते थे? महाजनपदास। महा का मतलब होता है बिग, जनपदास जनपद का मतलब होता है टेरिटरी। मोर पावरफुल किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स आर समटाइम्स रिफर्ड टू एज द महाजनपदास। इंपॉर्टेंट थिंग्स, पंच मार्क्ड क्वाइंस 600 BC टू 400 BC, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। सबसे पहले जो पंच मार्क्ड क्वाइंस आए थे वो इस पीरियड में आए थे, 600 BC टू 400 BC। अब एक क्वेश्चन जो प्रोबेबल हो सकता है वो ये कि चंपा एक था क्या? इंपॉर्टेंट, रिवर पोर्ट था ये। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि चंपा क्या था? पोर्ट, किसी कैपिटल या ट्रेडिंग सेंटर या और कुछ भी कह के प्लेस, तो आप जो आंसर क्लिक करेंगे वहां पे वो कहेंगे रिवर पोर्ट था चंपा। किंग वॉज हेल्प बाई पुरोहिता अमात्याज और मिनिस्टर्स, जो अमात्याज और मिनिस्टर्स होते थे वो पुरोहित, इनकी हेल्प से राजा जो है किंग डिसीजन लेता था। पीजेंट्स, जो फार्मर थे, जो किसान थे, जितना प्रोड्यूस करते थे वो लैंड पे, उसका 1/6 एक बटा छठवां हिस्सा जो था वो किंग को देते थे एज ए टैक्स। बदले में किंग्स उन्हें क्या करता था? किंग्स उन्हें एश्योर करता था कि कोई भी जो विदेशी आक्रमण है, फॉरेन इन्वेजन है या दूसरे किंगडम से इन्वेजन है, उससे आपको मैं सुरक्षित रखूंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस का क्या इंपॉर्टेंस है? द पीजेंट गेव अ शेयर ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द किंग विच वॉज ऑर्डिनरली 1/6, एक बटा छठवां हिस्सा पे करते थे जो वो प्रोड्यूस करते थे। द मेटल वर्कर्स मेड इम्प्लीमेंट्स, औजार बनाते थे फ्री में किसके लिए? किंग के लिए। इससे उनको टैक्स में छूट मिलती थी, टैक्स पे नहीं करते थे, वो फ्री में औजार बनाते थे। कारपेंटर, जो बढ़ई होता था वो चैरियट्स, किंग के लिए क्या बना था? फ्री में रथ। द बीवर्स, बुनकर जो होते थे वो फ्री में किंग के लिए क्या करते थे? क्लोथ्स का, क्लोथ्स बनाते थे और उसको देते थे फ्री में। इससे क्या होता था? ये लोग टैक्स नहीं पे करते थे। रूल्स फॉर गाइडेंस ऑफ द लाइफ ऑफ द हायर क्लासेस, जो हायर क्लासेस सो कॉल्ड अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए रूल्स क्या होते थे? चार रूल्स होते थे जिनके बेसिस पे इनकी लाइफ होती थी। एक पहला है ब्रह्मचर्य, जिसको आप कहते हैं कंटिनेंसी और सेलिबेसी इंग्लिश में, इसका मतलब होता है ब्रह्मचर्य, डिवोटेड टू एजुकेशन। इस पीरियड में ये क्या करते थे? शिक्षा प्राप्त करते थे। गृहस्थ, टू बीइंग अ हाउस होल्डर एंड रेजिंग अ फैमिली, फैमिली को पालते थे, और हाउस होल्डर का मतलब होता है गृह स्वामी। ये उस समय सेकेंड जो इनके लाइफ में स्टेज होता था, गृहस्थ का जीवन। थर्ड होता था वन प्रस्थ, जंगल की ओर प्रस्थान करना, टू लिव इन द फॉरेस्ट फॉर मेडिटेशन, मेडिटेशन के लिए जंगल में प्रस्थान करना। फोर्थ जो पार्ट था सन्यासीन, एसेटिक हो जाना, टू बिकम इन एसेटिक एंड प्रीचर, साधु बन जाओ और दूसरों को प्रीच करो। इसमें जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हैं रिपब्लिक्स, रिपब्लिक्स आज भी है, उस समय भी हुआ करता था, ऐसा हम कहें कि रिपब्लिक्स जो टर्म है हमने वहाँ से परकुलेट किया है, बारो किया है।
A republic is the form of government in which power is held by people or group of elected persons or an elected chief. Elected chief, ये hereditary नहीं होता था, ये chief जो होता था, kingdom का जो head होता था, headman, वो चुना जाता था, लोगों के द्वारा. Guild, जब आप Jainism और Buddhism पढ़ेंगे, तो बार बार ये term आएगा आपके सामने. Guilds are sernies. ये कौन होते थे? Artisan, जो कारीगर होते थे, और merchant, व्यापारी. इन लोगों ने एक समूह organize किया, उस समूह को कहते थे, एक संघ था, उसको कहते थे श्रेणीज और गिल्ड. जनपद का मतलब होता है टेरिटरी, पहले बता चुका हूँ. प्रजा, राजा और प्रजा. राजा जो है कि प्रजा को अपने चिल्ड्रेन की तरह, अपने पुत्र की तरह देखता था. ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ गार्ड्स क्या थे उस समय? इंद्र पहले नंबर पे, अग्नि दूसरे नंबर पे, वरुण तीसरे नंबर पे, सोमा गाडेस ऑफ प्लांट जो थे चौथे नंबर पे, मरुत्स पांचवें नंबर पे. संहिता, संहिता का क्या मीनिंग है? जैसे सुश्रुत संहिता, संहिता का मतलब है द कलेक्शन ऑफ द वैदिक हाइम्स. मंत्र और मंत्राज जो थे उनका कलेक्शन क्या कहलाता था? संहिता. कुरुक्षेत्र, द लैंड ऑफ कुरुज. कुरुज एक तरह से एक ट्राइब थे जिनका जो क्षेत्र है हरियाणा में, आज भी ये अवेलेबल है कुरुक्षेत्र, जहाँ पे आर्यंस आए थे. यहाँ पे फेमस युद्ध भी होता था, हुआ था कौरव और पांडव में, कुरुक्षेत्र. जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की अगर मैं बात करूं तो रिलीजन जो था वो जैनिज्म था. इसके थ्री जेबल्स, त्रिरत्न क्या है इसके जैनिज्म धर्म के? राइट फैथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन आर कंडक्ट. ये थ्री जेबल्स ऑफ जैनिज्म है. इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है. राइट फैथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन आर कंडक्ट. रियल फाउंडर इसके जो हैं जैनिज्म धर्म के वो कौन है? महावीर, 24th तीर्थांकर हैं. तीर्थांकर का मतलब होता है रिलीजियस टीचर्स, जो धार्मिक चीजें टीच करते हैं लोगों को, उन्हें कहते हैं हम तीर्थांकर इन जैनिज्म. नेक्स्ट, महावीरा वॉज बॉर्न इन द 6th century BC. 6th century BC में इनका जन्म हुआ था इन द सिटी ऑफ वैशाली. फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए इसको आप याद करेंगे, वैशाली में इनका जन्म हुआ था महावीर का. जैनिज्म प्रोपाउंडेड अहिंसा. इसने किस कौन सी चीज प्रोपाउंड किया? अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस. द रिलीजन वॉज प्रीच्ड इन अ सिंपल लैंग्वेज स्पोकन बाई द कॉमन पीपल. वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज थी प्राकृत, उस भाषा में जैनिज्म को प्रीच किया गया. बुद्धिज्म को देखें अगर हम, कपिल वस्तु ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड ईस्टर्न यूपी, ये आज भी सिचुएटेड है नेपाल के तराई रीजन में. अगर आप जाएंगे तो कपिल वस्तु आज भी मौजूद हैं वहाँ पे, बुद्ध के कुछ स्तूप भी हैं. द बुद्धा आल्सो एम्फेसाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस. इन्होंने भी नॉन वायलेंस और अहिंसा पे जोर दिया था. मोनास्ट्रीज, मोनास्ट्रीज का क्या मीनिंग है? बिहारा, बिहार का मतलब होता है बिहारा का, जहाँ पे आप आराम करते हैं, रेस्ट करते थे. लेकिन ये जो मोनास्ट्रीज होती थी बुद्धिज्म में, ये रेजिडेंशियल कम एजुकेशन, रेजिडेंस के साथ साथ यहाँ पे शिक्षा भी प्राप्त किया जाता था बिहारा में. द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस और अहिंसा वॉज मेड पॉपुलर बाई बुद्धिस्ट एंड जैनाज. जो बुद्धिस्ट और जैनीज मांग थे, इनके द्वारा नॉन वायलेंस और अहिंसा जो है वो प्रोपेगेट किया गया, पॉपुलर बनाया गया. कुछ जो टर्म है यहाँ पे जो आपको जानना है वो है सतपथा ब्राह्मण. जो सतपथा ब्राह्मण होते थे वो स्पीक्स एट लेंथ अबाउट द प्लॉइंग रिचुअल्स. हल जोतने का जो रिचुअल्स था वहाँ पे मंत्र वंत्र कौन पढ़ते थे? सतपथा ब्राह्मण. तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है. जो एंशियंट टाइम में वैदिक टेक्स्ट में मेंशनड है, राइस पैडी धान जिसको आप कहते हैं उसको ब्रीही कहा जाता था. सुलवा सूत्र, सुलवा सूत्र क्या होता था? द पीरियड प्रोड्यूस्ड टेक्स्ट, उस समय का जो काल था जिसने
टेक्स्ट बुक को प्रोड्यूस किया डीलिंग विद सोफिस्टिकेटेड मेजरमेंट, मेजरमेंट से रिलेटेड जो बुक्स उस पीरियड में आई एग्जिस्टेंस में वो कहलाती थी सुलभा सूत्र। सुलभा सूत्र का किससे रिलेशन है? मेजरमेंट से, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रिच पीजेंट्स वर कॉल्ड गहपतीज, जो रिच पीजेंट्स थे जो किसान थे धनी किसान उनको गहपतीज कहा जाता था एंशियंट टाइम में। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म जो कि रिप्लेस किया गया किसके द्वारा, सभा प्लस समिति, ये पहले हुआ करती थी इंडिविजुअल, इसको मर्ज कर दिया गया एक बॉडी में और रिप्लेस किया गया पोस्ट वैदिक पीरियड में परिषद में काउंसिल बनाई गई। अब काउंसिल में जो कॉमन लोग इंक्लूड होते थे वो इंक्लूड नहीं होंगे इसमें, कौन? सिर्फ ब्राह्मणाज, इट इज कंप्राइज ऑफ ब्राह्मणाज ओनली। अब इसमें केवल ब्राह्मण लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते थे या करते थे और फाइनल डिसीजन लेते थे। फ्रेंड्स, इस तरह से ये लेसन कंप्लीट होता है। इसमें जहाँ जहाँ पे मैंने जोर दिया है उसको आप जरूर इंपॉर्टेंट मार्क करके एक या दो बार में देखकर समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे वहाँ PDF फॉर्म के रूप में पड़ा हुआ है, उसको आप वहाँ से डाउनलोड करके भी फर्दर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ACIO कोई भी एग्ज़ाम हो, PCSE, UPSC, इन सभी एग्ज़ाम के लिए तो आप करके कंप्लीट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बटन पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन, हैव अ नाइस डे।